एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने गोरखनाथ और शाहपुर क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए क्षेत्र का भ्रमण किया और दोनों थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। इसी के साथ शुक्रवार को चार जगहों पर कोरोना संक्रमितों के टेस्टिंग के लिए कैंप लगाया गया, जिससे पॉजिटिव व्यक्तियों के साथ रहने वालों की जाँच की जाए। इसी के साथ शनिवार को पांच जगहों पर टेस्टिंग कैंप लगाई जाएगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों की जाँच हो सके और संक्रमितों की पहचान हो सके तथा उनका समय से उपचार भी हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, आज शहर में हमने जो थाना गोरखनाथ और थाना शाहपुर में लॉकडाउन है उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एसओ शाहपुर एसओ गोरखनाथ को बोला और भ्रमण भी किया। देखा गया कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो और सभी लोग अपने घरों में रहें, अनावश्यक तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। हमारा पूरा उद्देश्य यही है कि थाना शाहपुर और गोरखनाथ में जितने भी पॉजिटिव केसेस हैं और जितने भी लोग उनके संपर्क में आए हैं सभी को हम टेस्ट कराएं। तो इसी क्रम में थाना शाहपुर में आज हमने बिट्टू मैरिज हॉल में वहां पे हमने एक सैंपल टेस्ट भी करवाया था, जहां पे पांच व्यक्ति और पॉजिटिव मिले हैं, तो उनको भी आइसोलेट कंटेन कर दिया गया है। आज शहर में हमने चार जगह अलग अलग जगहों पर कैंप लगाए थे और उन कैंप के जो रचना हम करते हैं कैंपों का निर्धारण वो पॉजिटिव व्यक्तियों के संपर्क में आए हुए लोगों के कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के बाद हम करते हैं। कल भी हम शहर में पांच जगह पे कैंप लगाएंगे और उसके द्वारा फिर एंटीजन टेस्ट भी कराएंगे और आरटीपीसीआर भी कर रहे हैं। तो हमारा पर्पज यही है कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग से अधिक लोगों जो पॉजिटिव के संपर्क में रहे उनको सबका टेस्ट करा लें और जल्दी से ही जैसे हो उनको आइसोलेट कर लें, कंटेन कर लें। साथ के साथ लॉकडाउन का इन्फोर्समेंट ढंग से कराएं, क्योंकि लॉकडाउन इन्फोर्समेंट हो जाएगा एक बार तो लोग अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेंगे और लोग घरों में रहेंगे। कल हमने पांच जगह आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे हमारे पॉजिटिव व्यक्ति ज्यादा मिले हैं, उनके संपर्क में आए हुए लोगों की संख्या ज्यादा है। इसी क्रम में थाना राजघाट में मिर्जापुर एरिया है वहां पे हम लगा रहे हैं। थाना शाहपुर में जो लॉकडाउन में चल रहा है उसमें भी पॉजिटिव व्यक्ति ज्यादा मिले हैं, तो वहाँ बिट्टू मैरिज हॉल पर हम वहाँ कैंप लगा रहे हैं। नेपाल क्लब में हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनके लिए कैंप लगा रहे हैं। और हमारे जो रोडवेज के चालक परिचालक हैं, क्योंकि उनका काफी मूवमेंट रहता है, उनका भी हम एक कैंप का आयोजन कर रहे हैं वहाँ पे। और एक पुलिस लाइन में कैंप का आयोजन कर रहे हैं, पुलिस लाइन में भी हमारे पुलिस कर्मी काफी कंफ्यूजन मिले हैं। पांच जगह कल कैंप का आयोजन हो रहा है।